जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। लालबरा तहसील मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लालबरा के अंतर्गत बैया टुकुर में 2 जून को दोपहर लगभग 1 बजे लकड़ी लाने जंगल गए चीनी परसवाड़ा निवासी 22 वर्षीय कमलेश पिता राजेंद्र प्रसाद बिलो ने जाति लोहार के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया, जिसे गले में गंभीर चोट आने की वजह से अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर 12 बजे कमलेश बिलो ने ग्राम पोरी निवासी उसके जीजा सुरेंद्र बाव ने बल्लारपुर निवासी विनोद मड़ावी व ग्राम का छोटू सहित 4 लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे। उसी दौरान चिताल टोला नहर के पास अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिससे घबराकर कमलेश बिलो ने भागने लगा, जिस पर बाघ ने दौड़कर गले पर पंजा मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। वहीं अन्य 3 व्यक्तियों के द्वारा शोर मचाकर बाघ को भगाया गया और गंभीर रूप से घायल कमलेश को उठाकर गांव की ओर लाया गया, जिसके पश्चात वन विभाग को सूचना देकर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया जा रहा था। उसी दौरान कमलेश की मौत हो गई। बाइट विनोद मड़ावी, बाइट नितिन पवार। ये करीबन 1:30 बजे दोपहर। कहाँ पर हुई घटना? ये अपना चिताल टोला के नहर निया उसके आगे। क्या कर रहे थे आप लोग? कौन कौन लोग? ऐसा मतलब जला उला लकड़ी ला, छुट्टी का दिन था सर, तो मतलब बुधवार था, तो हम लोग बोले मनोला 4 बजे पैसे देने जाएंगे, तो मनोला चला भी जला उला लकड़ी कुछ भी ला देंगे, मकड़ू के लिए कुछ भी सर। तो कौन कौन गए थे? हम सुरेंद्र था, उसका साला था, मैं था, एक छोटा छोटू था। 4 लोग थे। तो जो मृतक है वो कुछ लगते हैं आपको रिश्ते में? नहीं, सुरेंद्र का साला है। तो आप मौके पे थे जब घटना हुई? हाँ। कैसी हुई घटना? पहले मेरे से टकराया उसे शेर। हाँ। हाँ, कैसा टकराया बोले देखिए आपने? हाँ, मेरे से टकरा पर मैं धीरे से निकल गया, फिर उसके बाद नीचे कल गया, उनको फोन करके बताया इधर से रहे, तो इकट्ठे करके घबरा जाते हैं, इसलिए भागने के चक्कर में इस पर हमला जी भागे, तो इन पर हमला कर दिया। हाँ, इस पर हमला कर दिया। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम उसने हैजाड़ा उसके साथ वाले ने उसको खेदा, दौड़ा उसके पीछे लकड़ी लेके, तो उसको छोड़ा जाए, फिर घायल कर दिया था यहाँ पे, मतलब इधर और इधर निशान वगैरह कर लिया। कमलेश पिता राजेंद्र प्रसाद, उम्र 22 वर्ष, जाति लोहार, ये अपने जीजा जी के घर आए हुए थे। इसी दौरान ये इनके जीजा जी और एक इनके साथ एक सदस्य, ये तीनों इनके कथन अनुसार ये मेहंदी लेने या मेहंदी चुनने जंगल गए हुए थे। उसी दौरान बाघ ने इन पर हमला कर घायल अवस्था में इनको अस्पताल लाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कहां कहां चोट है सर? इनको जो मुख्य चोट है वो गले पे, यहां पे एक बाइट, मतलब शेर ने सीधा, हाँ शेर ने हमला किया, फिर ये गिरे, शेर वापस गया, फिर से स्थानीय घटना है। ये बैया टिकुर बीट है, कक्ष क्रमांक 443 जी। अभी क्या आगे कार्रवाई हो रही है? आगे अभी पीएम किया है, पीएम रिपोर्ट अभी आएगी, उसके बाद इनके जो परिवारजन हैं उनको वन विभाग की ओर से मुआवजे की कार्रवाई की। अभी त्वरित सहायता के रूप में कोई राशि? त्वरित सहायता के रूप में इन्हें 10,000 रुपये दिया जाए अभी जी।